गाजा युद्ध विराम में सबसे बड़ी बाधा बना है फिलेडेल्फिया कॉरिडोर। जानेंगे क्या है और क्यों इसको लेकर इजराइल और हमास आमने सामने आ गए हैं, नेतन्याहू का कौन सा बड़ा डर है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या शरिया कानून लागू होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये डील अटक जाती है। हालिया समय में सीज फायर ना हो पाने की एक बड़ी वजह फिलाडेल्फी कॉरिडोर माना जा रहा है। कॉरिडोर पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इजराइल इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। सोमवार को भी बंधकों को छुड़ाने के एक सवाल पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायली सैनिकों को तैनात रखने की रणनीतिक जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजरायल को अपने युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 14 किलोमीटर के इस पट्टी पर कब्जा रखना जरूरी है। ये कॉरिडोर हमास को मिस्र से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में ही हमास ने कई विशाल सुरंगें बनाकर रखी थी। टाइम्स ऑफ इजरायल के रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को डर है कि अगर उसकी सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को खाली कर देती है तो फिर इस क्षेत्र में वापस नहीं लौट पाएगी। ये हमास के फिर से संगठित होने में मददगार साबित होगा और इससे इजरायल की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा। नेतन्याहू ने गाजा पर हमले के पीछे जो उद्देश्य बताए उनमें हमास को नष्ट करना, बंधकों को छुड़ाना और ये सुनिश्चित करना कि गाजा से भविष्य में इजरायल के लिए खतरा पैदा नहीं होगा। नेतन्याहू के युद्ध लक्ष्यों को पूरा करने में फिलाडेल्फी कॉरिडोर अहम है, क्योंकि इजरायल इस गलियारे को हमास की ऑक्सीजन पाइपलाइन मानता है। इजरायल का कहना है कि हमास तक हथियार इसी गलियारे से पहुंचते हैं। नेतन्याहू ने इजरायल के 27 मई के बंधक सौदे के प्रस्ताव पर कई नई मांगे जोड़ी हैं। इसमें दोनों गलियारों नेट जारिम और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली सैनिकों के कंट्रोल की मांग की गई है। इस पर हमास तैयार नहीं हो रहा है, वो मिस्र से लगी सीमा पर कंट्रोल की मांग कर रहा है। हमास ने 2007 से उस सीमा को नियंत्रित किया है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हया का कहना है कि फिलाडेल्फी, नेट जारिम और राफा गलियारे से इजरायली सेना की वापसी के बिना गाजा में युद्ध विराम के लिए कोई समझौता संभव नहीं है। हमास स्पष्ट रूप से समझता है कि इन क्षेत्रों पर IDF का कंट्रोल रहता है तो उसके पूरे गाजा में ताकत बढ़ाना असंभव हो जाएगा। हमास ये भी जानता है कि फिलाडेल्फी पर कब्जे को लेकर इजराइल में आंतरिक बहस है। यह इसका फायदा उठाने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करता है जो इजरायली नेताओं में आंतरिक कलह को बढ़ाएगा। हमास ने इजराइल सरकार पर गलियारे को इजरायली बंदियों से अधिक महत्वपूर्ण मानने का आरोप लगाया। हमास तमाम वो कोशिश कर रहा है जिससे इन क्षेत्रों में इजराइल की वापसी न हो। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल इस गलियारे को लेना चाह रहा है, पर पॉलिटिक्स यहाँ पर भी हावी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है। वो अपने ऐतिहासिक नीति को बदलने में लगी है, जिसमें पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास भी शामिल है, जो कि लंबे समय से उसका प्रतिद्वंदी रहा है। देश की अंतरिम सरकार में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने सोमवार को कहा कि प्रशासन पाकिस्तान के साथ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से जुड़े मुद्दों को हल करना चाहता है। नाहिद इस्लाम 26 वर्षीय छात्र कार्यकर्ता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण के सलाहकार के रूप में वह कार्य कर रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम लंबे समय से पाकिस्तान के साथ चले आ रहे विवाद को सुलझाना चाहते हैं। इसी मंशा से सोमवार को उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ से मुलाकात की। इस्लाम ने कहा कि अवामी लीग के लिए 1971 को इतिहास का अंतिम अध्याय माना जाता था। हालांकि हम इसे इतिहास की निरंतरता के तौर पर देखते हैं। हम पाकिस्तान के साथ 1971 के मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। कथित तौर पर अंतरिम सरकार अवामी लीग के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव पर विचार कर रही है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के चेहरे, इसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां और संग्रहालयों में हाल में ही तोड़फोड़ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में रणनीतिक टिप्पणीकार प्रोफेसर नजमुल अहस कलीमुल्ला ने कहा है कि कुछ नेताओं की ओर से खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है। वे तेजी से
पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जल्दबाजी में हो रहा है सारा कुछ। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान खुश दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध ठंडे बने रहे। रिश्ते तब और भी खराब हुए जब पाकिस्तान ने 1971 के संघर्ष के दौरान युद्ध अपराधों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़े जाने को लेकर कहा था कि जैसा आप करते हैं वही आपके साथ होता है, पाकिस्तान विरोधी आंदोलन चलाने वाले का हाल देख लो। शेख हसीना के कार्यकाल में पाकिस्तान उच्चायोग शांत रहा। उस पर 2018 के चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन का आरोप लगा है। आपको बता दूं, जिस तरीके से चल रहा है बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कट्टरपंथियों की पकड़ मजबूत होगी। बांग्लादेश की लेखिका, कार्यकर्ता और डॉक्टर तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि शेख हसीना के जाने से कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की पकड़ बांग्लादेश में मजबूत होगी। इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। तस्लीमा नसरीन कई साल से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। नसरीन को इस बात का डर है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन बांग्लादेश में शरिया कानून लागू कर देंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी राय दी। बांग्लादेश की वर्तमान स्थितियों को लेकर महिलाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामवादियों की बढ़ती प्रमुखता, महिलाओं पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें शरिया कानून के तहत नियंत्रित कर उनके अधिकार छीन लेगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस्लामिक ड्रेस कोड का फरमान जारी करना शुरू कर दिया गया है। उनसे जब पूछा गया कि क्या अंतरिम सरकार आने के बाद उन्होंने महिलाओं के प्रति नजरिए में बदलाव देखा है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, कई यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ड्रेस कोड का पालन करने को कहा है। हिजाब, नकाब, बुरका पहनना एक ड्रेस कोड बताया गया है। नसरीन ने दावा किया कि अगर शरिया कानून लागू हो गया तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से जुड़े सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में असहिष्णुता बढ़ रही है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और शरिया कानून लागू होने के बाद जल्द ही महिलाएं बिना किसी अधिकार के रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के शासन के दौरान कई संगठन बैन कर दिए गए थे, वो फिर से सत्ता में आ रहे हैं। ब्लॉगर्स और लेखकों की हत्या करने वाले जो लोग जेल में गए थे उन्हें आजाद किया जा रहा है। तस्लीमा नसरीन से पूछा गया क्या उन्होंने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से कोई उम्मीद रखी है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हालात को और खराब कर देगी क्योंकि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद हिंसा को जश्न कहा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ दिया गया, म्यूजियम शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। जमीनी स्तर पर भावना भारत विरोधी, महिला विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है। देश में कट्टरपंथ कई गुना बढ़ गया है। कट्टरपंथी लोगों से भारतीय सामान बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, इन सब के बीच में चाइना भी यहाँ एक्टिव होता हुआ दिख रहा है और बांग्लादेश में ये सब कुछ जो भी हो रहा है इससे होगा यही कि यहाँ बांग्लादेश आने वाले समय में बुरी तरीके से तबाह होगा क्योंकि आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, कुछ इसी तरीके का माहौल है। दोनों एक दूसरे को ठेल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का साथ आने का मतलब है जो हाल पाकिस्तान का हुआ वही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।